नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है शिक्षा क्रांति के मंच पर। इससे पहले कि मैं आप सभी को आज की गतिविधियों से रूबरू कराऊं, मैं आज आपके सामने सबसे पहले सत्यन सर की लाइन्स बताना चाहती हूं, जो इस प्रकार से है। सिख मेरा मुख, वेद मेरी वाणी, बुद्ध मेरी बुद्धि, जैन मेरा चित्त चैन, पैगंबरी मेरे भाई बहन। विश्व के माथे पर विविधता में एकता का प्रतीक बिंदु हूँ मैं, ऐसा भारतीय हूँ मैं, ऐसा विश्व बंधु हूँ मैं, भारतीय हूँ मैं, हिंदू हूँ। तो सर, इसी बात के साथ साथ आज आपको वर्ल्ड अर्थ डे की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी को भी, साथ ही साथ ईद की और परशुराम जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भी ईद की भी हार्दिक बधाई और परशुराम जयंती की भी शुभकामनाएं। ईद का त्यौहार है ईद उल फित्र, तो यह रमज़ान जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद मनाया जाता है। जो रमज़ान है उसमें अक्सर जो हमारे पैगंबरी भाई बहन हैं वो लोग रोज़ा रखते हैं, प्रेयर करते हैं और ईद को वो अपना व्रत को तोड़ देते हैं। तो इससे जो जो कल्चर है इसमें भाईचारे का और साथ ही साथ कल्चरल वैल्यूज़ छुपी होती है जो ब्रदरहुड को प्रमोट करती है। मैं सबसे पहले आप सभी को वर्ल्ड अर्थ डे की शुभकामनाएं देती हूँ, और जैसे कि आज परशुराम जयंती भी है, ईद भी है, तो आप सभी को उनकी ईद की और परशुराम जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। एवरी ईयर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22nd April, एंड द रीज़न बिहाइंड वाई वी सेलिब्रेट अर्थ डे इज़ दैट टू मेक पीपल अवेयर अबाउट आर इन्वायरमेंट। एज वी नो दैट लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीजिंग एंड द पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग, सो वी शुड टेक स्टेप टू मेक आर अर्थ क्लीन एंड ग्रीन। एंड द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे this year is invest in our planet, so we should invest something to our planet. It means we should invest at least our time to do plantation. जो इस साल की थीम है वर्ल्ड अर्थ डे के लिए वो invest in our planet. तो सर, आप इससे क्या समझते हो और हमारी जो audience है उनके लिए आपका क्या message रहेगा? Investment मेरे विचार से यह है कि जब भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एक तरह से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, यानी बच्चे जब बड़े बनेंगे तो कुछ कमा के लाएंगे, घर लाएंगे। तो उसी तरह से आज हम कैसे हो गए, आज हम अपने अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे ताकि उसकी टर्नओवर अच्छी रहे, ताकि वो एक दिन रिच डिविडेंड पे करे। इन्वेस्ट इन प्लैनेट्स का मतलब है कि आओ कुछ ऐसा करें जैसे शालिनी जी ने कहा कि इन्वेस्ट आवर टाइम, इन्वेस्ट आर एनर्जी, इन्वेस्ट आर जो, यानी हमारे पास जितना भी है हम वह धन अपनी धरती को बचाने के लिए लगाएं। यानी अर्थात इसका मतलब है, अगर मैं जीवन का जो मेरा काल है अगर उसके क्षण कुछ क्षण में वृक्षारोपण में इन्वेस्ट करता हूँ, यानी लगाता हूँ, खर्च करता हूँ, तो कल जो है जब वो वृक्ष लगेंगे मुझे शुद्ध हवा देंगे, अच्छा पर्यावरण बचेगा, धरती हरी भरी होगी, धरती पर हरियाली होगी तो जीवन में खुशहाली होगी। तो एक तरह से मैंने इन्वेस्ट क्या किया, समय, और मुझे क्या मिली, हरियाली, हरियाली के बदले मुझे क्या मिली, खुशहाली। इन्वेस्ट करने का मतलब ही होता है, जो अब जब हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लाभ की कामना से इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर हम धरती में कुछ इन्वेस्ट करेंगे, प्लैनेट में इन्वेस्ट करेंगे, तो ज़रूर उसका हमें लाभ मिलेगा। इट मीन्स दैट वी शुड इन्वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी, गेट बेनिफिट, रिच बेनिफिट टुमारो। टुडे इन्वेस्ट योर टाइम, टुमारो गेट द टाइम ऑफ योर लाइफ, लाइफ विल बी सेव्ड। अदरवाइज इफ आर अर्थ इज नॉट सेव्ड, प्लैनेट इज नॉट सेव्ड, लाइफ विल नॉट बी सेव्ड एट ऑल, बिकॉज वी आर ड्राइविंग आर प्लैनेट टू प्रीमैच्योर डेथ। कैसे? By our behaviors, by our जो हमारी जीवन प्रणाली है, हमारे जीवन जीने के तरीके हैं, हमारे जो बिहेवियर है, हमारी थिंकिंग है, हमारे एक्शन है, ये सारी चीज़ें हमारी धरती को अकाल मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं। ऐसा वैज्ञानिक भी कहते हैं और ऐसा
पर्यावरण प्रदूषण से लेकर क्लाइमेट चेंज को देखकर ऐसा ही लगता है, और आज हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अगर कोई इंसान इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है, इज इन्वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज जस्ट टू इंक्रीज हिज वेल्थ, ओनली वेल्थ इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिज्म, नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। वेल्थ इज इंक्रीजिंग, वैल्यूज आर डिक्रीजिंग। सो अगर हम अपने एनर्जी और अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं, यानी खर्च करते हैं धरती को बचाने के लिए, तो स्वतः ही धरती कल हमें बचाएगी, यह सबसे बड़ा हमारा लाभ होगा। यस, इट इज़ ट्रू दैट डियर व्यूअर्स, प्लीज़ पे मच अटेंशन टूवर्ड्स आर नेचुरल हैबिटेट, दैट इज़ आर मदर अर्थ, एंड स्पेयर 1 hour इन अ वीक फॉर क्लेनलीनेस कैंपेन। यू कैन ऑल्सो प्लांट ट्रीज, डू प्रॉपर टेक केयर ऑफ दैम। So, sir, my question, only question from you is that today is also a Parshuram Jayanti. Yes. What is the message that we take from Parshuram? Well, the message is, like, he was a very nature-loving person. He did not build big houses. He lived life in harmony with nature, as you can see also when we see his pics, how he lived in mud house, eco-friendly home, how he lived in eco-friendly house, and he promoted eco-friendliness all around. Above all, he started women empowerment campaign also at world level. It is said that with the help of many wives of rishis like Anusuya and Lopamudra, he started women awareness programs. And it is said that that campaign was very big. He set out on awakening women to their strength. He was of the view that women are not weak. They need to be awakened. They need to be made aware of their power. There is no need to empower them. So he had quite a few women standing by his campaign, as we are today doing Swachhtagraha. It's like Swachhtagraha is like Parshuram's campaign. We are telling that if we have to make our country value oriented, women can really raise the moral tone of this nation. Ask me how. See, the mission of Swachhtagraha should start from home. If a woman takes pledge not to let any kind of addiction, any kind of wine, any kind of, say, addiction enter her home, I don't see any reason how can that addiction or that nasha or that illegal things enter the home. If a woman takes pledge not to let any money of corruption enter her home, because most of the time it is men who are involved in corrupt cases most of the time. But if women teach their children not to be corrupt in their life, to be moral, I think that we can achieve the goal of Swachhtagraha easily. This is what Parshuram also did. Parshuram did the same. So we are doing the same also, that with the help of women, we can raise the moral tone of this country. Okay, sir, thank you for your comprehensive ideas for these cultural festivals. So Shalini, your end line for viewers, what do you want to give to our audience? I want to tell you only one thing. We should not celebrate Earth Day only today. We should celebrate whole year, because it is very compulsory to protect our Earth. Because when we protect our Earth, then Earth will protect us. So okay. I think that's all for today. So at the end, if you like this video, please like this video, and if you want to comment, then comment in the comment section, and if you want to share, then you can share with your friends, and subscribe to our channel. So that's all for today. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vishwa.